आपका बिल सर। ये लो भाई, बाकी रख लेना। थैंक यू सर। फोन कहाँ गया? भैया भैया, मेरा ना वहाँ टेबल पे ना फोन रह गया था अभी थोड़ी देर पहले, आपने देखा क्या? वही होगा, आप चेक कर लो। नहीं भैया, मैंने पूरा चेक कर लिया, वहाँ पे तो नहीं है। अरे भैया, तो यहाँ नहीं है तो आप बाहर छोड़ कर आए होंगे कहीं पे। नहीं नहीं, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने वो टेबल पे रखा था वहाँ पे। भैया, यहाँ दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किस किस का सामान देखता रहूँ, आप ही बताओ। आप देखो यही पे होगा, वरना यहाँ नहीं है तो मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे हम ना अच्छा खाना खिलाने की जिम्मेदारी लेते, सामान की देख रेख करने का नहीं। जाइए। अरे सुनो, मेरे नंबर पे फोन मिलाओ जल्दी। क्यों, क्या हो गया? अरे फोन चोरी हो गया, रेस्टोरेंट में गया था ना वहाँ पर। कौन से रेस्टोरेंट में? अरे यही दुकान के पास में है। तुम यार बातें मत करो, फोन मिलाओ। स्विच ऑफ बता रहे। गया फिर तो, दुकान का सारा हिसाब फोन में था यार। तुम्हें अपने फोन का ध्यान रखना चाहिए था। तुमने कैमरे में चेक करवाया क्या? अब तो भैया आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करा दो, उसमें पता लग जाएगा कि किसने लिया फोन। अरे भैया, हमारा सीसीटीवी बहुत दिनों से खराब है, टाइम ही नहीं मिल रहा उसे ठीक कराने का, वो नहीं चेक करा पाऊंगा ना। मुझे लगता है कि किसी वेटर ने फोन चुराया होगा वहां पर। अरे यार, जिस मर्जी ने चुराया वो नुकसान तो हमारा हो गया ना। दुकान देख लेना, ठीक है, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। भैया। हाँ बोलो। ये तो मेरा फोन है ना। हाँ भैया, उस दिन आप रेस्टोरेंट में आए थे ना, तब बिन लेके मैं ही आया था। आप तो बिन पे करके चले गए, लेकिन ये फोन वही भूल गए और मेरी नज़र गई, हमने चटापट फोन ऑफ करके अभी बात कर ठीक है। मजबूरी थी भैया, इसे चोरी करना पड़ा, नहीं तो ऐसा काम मैं कभी नहीं कर। कैसी मजबूरी? मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, जब डॉक्टर के पास ले गया मैं तो डॉक्टर ने बोला कि उसका इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। उसके इलाज में ना 1,25,000 रुपये खर्चा आ रहा है। जब मैं उसे एडमिट कराना हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि जब तक पैसा नहीं जमा करवाओगे तब तक इलाज शुरू नहीं करेंगे। उसने चोरी किया भैया, किसे पेश कर, मेरे पास 25,000 रुपये आ जाएंगे और मैं अपनी बेटी का इलाज करा पाऊँगा। तो तुम्हें अगर इतनी ज़रूरत थी पैसे की तो फिर लौटाने क्यों आए? इसकी वजह से। ये आपकी बेटी है? हाँ। मैं भी ऐसे ही अपनी बेटी का फोटो अपने फोन में लगा के रखता हूँ। आपकी बेटी ना एकदम मेरी बेटी जैसे दिखती है। ये फोन तो चुरा लिया मैंने, लेकिन बेच नहीं पाया। जब ये फोन बेचने गया तो सिम निकाल के फेंक दिया मैंने, और ऑन किया तो आपकी बेटी का फोटो देख लिया और मेरे विचार बदल गए, चाह के भी इस फोन को बेच नहीं पाया। रही मेरी बेटी का इलाज का सवाल, तो ये ऊपर बैठा है ना, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देगा, इसलिए ये फोन मैं आपको वापस करने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भैया, और आप रेस्टोरेंट के मालिक और पुलिस को मत बताइएगा। चलता मान। सुनो, पच्चीस हज़ार की ज़रूरत है ना तुम्हें? हाँ भैया। कौन सा हॉस्पिटल में इलाज होना है? यही पास में डीके हॉस्पिटल में इलाज करवाना है। हाँ, तो फिर आओ चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ भैया? हॉस्पिटल में, ताकि तुम्हारी बेटी का इलाज हो सके। नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। एक बात बताओ तुम मेरे को, तुम चोरी कर सकते हो पर पैसे नहीं ले सकते, और अभी तुमने मेरे से क्या बोला कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की जैसे लगती है ना, तो फिर ये समझो कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कर रहा हूँ, और एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पे भाई। जब तुम्हारे पास हो तब वापस दे दे। ठीक है भैया, लोग सही कहते हैं, एक बेटी के बाप का दर्द ना एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। बिल्कुल, चलो आओ जल्दी करो, वहाँ चलते हैं, इलाज करवाना है।